Assalamualaikum guys, it's humble Ahmed here. Welcome to my YouTube channel. Well, ये हम लोगों ने install किया है 40 kilowatts. इसमें हमने inverter use किए हैं max power के 10 kilowatt के 4 inverter use किए हैं और इसकी input output दोनों combined हैं. Actually ये grid tie inverter है. इसमें इस वक्त हम लोग hybrid mode पे use कर रहे हैं और grid पे हम लोग reverse नहीं दे रहे हैं अभी तक. Net metering के लिए apply करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ये grid tie हो जाएगा. अभी इसको hybrid operate use कर रहे हैं हम लोग. ये हमारा 10 kilowatt inverter है. इस पर इस वक्त लोड चल रहा है 18-20% का लोड डिविडेंड है चारों इन्वर्टर में. और ये हमारी बैटरी की इनपुट है, ये सोलर की यूटिलिटी इनपुट है, सॉरी सोलर की आउटपुट है. पीछे हमारी एसी इनपुट है, ये एसी का ब्रेकर. उसके पीछे पीवी इनपुट है जिसपे MC4 के कनेक्टर्स लगे हुए हैं. ये हमारा वाईफाई मॉड्यूल है और ये हमारी कम्युनिकेशन केबल है और ये लोड शेयरिंग केबल है. इस पर हमने ग्लेंट वगैरह लगाए ताकि प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम हो. ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है पहले इन्वर्टर का और उस पर हमने लगाया हुआ है डिजिटल एम्पीयर मीटर लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर, और ये हमें हर्ट्ज भी बता रहा है. थ्री फेज इन्वर्टर आउटपुट है और इनपुट है, तो ये थ्री फेज के थ्री फेज ही हमें बता रहा है वोल्ट तीनों के, और उस लाइन पर कितने एम्पियर का लोड चल रहा है वो हमें बता रहा है. ये साथ में ये हमें लाइन टू लाइन वोल्ट भी बता रहा है, लाइन टू लाइन वन लाइन टू के साथ, लाइन टू लाइन थ्री के साथ और लाइन थ्री लाइन वन के साथ. और फिर ये हर्ट्ज बता रहा है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बता रहा है. ये हमारे डिजिटल एम्पियर मीटर की बैक साइड है. जिसमें उन्होंने न्यूट्रल दी हुई है, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री दिया हुआ है, फिर जिस फेस से हमने ऑपरेट किया हुआ है वो दिया हुआ है. फिर इसमें सीटीज की हमारी इनपुट है K1 L1 से, ये हमारी सीटीज है नीचे. और इसमें हमने ब्रेकर्स यूज़ किए हैं शनाइडर्स के. बैटरी बैंक पर हमने ब्रेकर लगाया है ईजी पैक EZC 400 एम्पियर्स का. और पी वी के लिए हमने इस पर ब्रेकर लगाया है शनाइडर का 100 एम्पियर और 1000 वोल्ट्स में. टू पोल इन टू पोल आउट है, नीचे सीरीज हुआ हुआ है. ये ओरिजिनल कंपनी पैकिंग में है. और इसमें शनाइडर के हमने यूज़ किए हैं इनपुट पर, यूटिलिटी इनपुट पर 100 एम्पियर का ब्रेकर यूज़ किया है और शनाइडर का ही हमने ब्रेकर यूज़ किया है 40 एम्पियर्स का. और ये प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ में काम किया है कि ताकि अगर हम ना भी हों, कोई दूसरा बंदा भी इस पर काम करना चाहे तो उसको आसानी हो समझने में, देखने में और देखकर काम करने में. ये हमारे सेकंड इन्वर्टर के लिए ये बैटरी की बस बार है, बैटरी बैंक की हमारे. ये थर्ड इन्वर्टर की डीबी है और ये हमारे फोर्थ इन्वर्टर की डीबी है. और ये यूटिलिटी इनपुट की बस बार की डीबी है, रेड येलो ब्लू और ब्लैक न्यूट्रल. नीचे सीटीज हैं और ये एम्पीयर मीटर की बैक साइड है. और ये हमारी सोलर मेन आउटपुट की डीबी है, सोलर आउटपुट की, रेड येलो ब्लू और ब्लैक न्यूट्रल. नीचे सीटीज हैं, ऊपर एम्पीयर मीटर है, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस वगैरह सब ये बता देता है. हमने सिस्टम इंस्टॉल किया एक दोस्त के पास और इसकी जनरेशन अराउंड है 270-260 किलोवाट्स पर डे एवरेज है इसके इंशाल्लाह. और इस पर हम तो कोशिश, हमारी जो टारगेट है वो है 275-280 किलोवाट्स पर डे हम जनरेट करें सिस्टम से. 24 किलोवाट्स का हमारा लोड है इस प्रोजेक्ट पर. और बाकी हम चाह रहे हैं यूटिलिटी ग्रिड को वापस देना, नेट मीटिंग इसको ऑन करना चाहेंगे इंशाल्लाह. हम लोग आज इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.